नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी। इसमें ये थोड़ा मैंने पालक लिया है, इसको धो के गीला गीला काट लिया, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। और प्याज, दो प्याज इसको मैंने लंबे लंबे काट लिए, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी काली मिर्च डालेंगे जिसको मैंने दरदरी कूट ली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन जिसको क्रश करके डालेंगे, थोड़ी सोप पाउडर, इन सबको मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी पानी डाल के मिक्स करूँगी। ये थोड़ा बेसन मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। बेसन डाल के इसको और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर एक छोटा पिंच, दो पिंच के करीब सोडा डालेंगे, जिससे ही कुरकुरे बनेंगे। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम कढ़ाई के पास चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया है, तेल गरम हो चुका है। ये थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं, बेसन ऊपर गिर गया है। अब इसमें हम सब ये डालेंगे, आज को हम धीमे ही रखेंगे। पकौड़ियाँ बन चुकी है, थोड़ी सी कच्ची उतारेंगे, फिर दोबारा फ्राई करेंगे, उसमें और भी अच्छी पूरी पकौड़ियाँ बनेंगी। इनको सबको निकाल देते हैं। इस तरीके से मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी इसके अंदर, देखिए सारी पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई। इनको भी दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही लाल हो गई अच्छे से, कुरकुरी हो गई। अब इन सबको हम निकाल देते हैं। देखिए पकौड़ियाँ मैंने सर्व करी, सॉस के साथ सर्व करी है, गरम गरम पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से ऊपर से कुरकुरी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत बढ़िया बनी।